सामाजिक संस्था मिशन ऑफ लाइफ एक नई आशा के द्वारा कथारा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ संस्था के संस्थापक सुनीता सिंह और झारंगीय परियोजना पदाधिकारी परमानंद गुइन तथा कथारा ओपी थाना प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बताया जा रहा है दौड़ कथारा 4 नंबर दुर्गा मंदिर से आरंभ की गई, जो कथारा मुख्य चौक स्थित दुर्गा मंदिर परिसर तक का सफर तय किया। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली विजेताओं को कथारा दुर्गा मंडप परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो थर्मल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शैलेश कुमार चौहान शामिल हुए। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिस दौरान सामाजिक संस्था मिशन ऑफ लाइफ के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ तथा अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोटी छोटी बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। सभा को संबोधित करते हुए बोकारो थर्मल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शैलेश कुमार चौहान ने संस्था के कार्यों की सराहना की और कहा कि हर एक व्यक्ति छोटे छोटे सामाजिक कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाने का कार्य करे तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो जाएगा। वहीं संस्था के संस्थापक सुनीता सिंह और संरक्षक लक्ष्मी सिन्हा ने संयुक्त रूप से कहा कि मिशन ऑफ लाइफ एक सामाजिक संस्था है। हमारी एकमात्र उद्देश्य है कि सोया हुए लोगों को जगाने का जो खेल है, क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास कर रही, वो निरंतर जारी रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। का पहल जो है ये दूसरा पड़ाव है जो कि बहुत अच्छा रहा और मैं बच्चों का जोश दे करके बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि एक एक बच्चे में अपना अपना मिशन जो है लेकर दौड़ रहे थे और वो मिशन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। जो लड़कियां अब तक छिपी हुई थी वो लड़कियां भी आज बाहर निकल गई हैं, यानी वर्ल्ड कप में जाने का ये पहला पड़ाव जो है, लगता है इसी तरह से लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे। जो पेरेंट्स लोग जो थे, जो इस खेल के क्षेत्र में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था, वो भी अब देखकर लग रहा है कि उनका रुझान इस तरफ आ रहा, क्योंकि बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, यानी 200-300 स्टूडेंट्स जो कि लगातार दौड़ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देखकर मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ। बच्चे जो भी रैंक लाए हों लेकिन दौड़ने के लिए पार्टिसिपेट किए और इसमें आगे आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत उन सभी बच्चों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिनका जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनका हम मैं माध्यम बनकर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कहते हैं ना, ये जो हमारा ये खादान वाला एरिया यानी कठारा क्षेत्र, इसमें से अच्छे अच्छे हीरे निकालने का कार्य यानी माध्यम के रूप से मैं देना चाहती हूँ। मिशन ऑफ लाइफ क्या क्या कर रही है समाज के क्षेत्र में? मिशन ऑफ लाइफ जो है महिलाओं के लिए भी, जो महिलाएं स्वावलंबी हैं और वो बहुत कुछ करना चाहती, बहुत कुछ में, जैसे कि जो सिलाई करती है या जिनको संगीत में रुचि है, जिनको पेंटिंग बनाना अच्छा आता है, जो बहुत अच्छी टोकरियाँ बनाती हैं या झाड़ू बनाती हैं, उन सभी को एक नाम मैं दे करके उनको आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो घर में बैठे नहीं बल्कि अब भी स्वावलंबी बन करके एक अपना नाम, एक अपनी अलग पहचान बनकर आगे बढ़े। तो ये सबके लिए, केवल बच्चों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, और जो वर्ग जो सुस्त पड़ गए थे उनको भी उठाने का कार्य करती है ये मिशन ऑफ लाइफ। कथारा क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी कुशलता, अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानेंगे। मैराथन दौड़ पर आने पर काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद ही कोई मैराथन दौड़ में शामिल होता है। बच्चों को, मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगा कि बच्चों को ग्राउंड में जरूर उतारें, खेल बहुत आवश्यक है। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, इसको ध्यान रखें। साथ ही साथ मंच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव जी बहुत पूर्व परिचित हैं, आके प्रतिनिधि। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।